अजमेर देश भर में करवा चौथ का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी के साथ विवाहिताओं ने महिलाओं के पति की लंबी आयु के लिए दिन भर रखा व्रत। शाम को चांद निकलने के बाद पूजा कर विवाहिताओं ने अपने चांद के साथ अपने जीवन साथियों की पूजा के साथ खोला करवा चौथ का पवित्र व्रत। आज किस तरह से व्रत करते हैं? और सिर्फ जो भी पूजा की जो सामग्री लगती है वो लगती है। किस प्रकार से व्रत किया जाता है, क्या इसमें विधि विधान होता है, कैसे अपना पूजा करते हैं? सुहाग के लिए किया जाता है, सुबह से शाम तक भूखा रहना पड़ता है, रात को चांद का व्रत देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कौन से मंदिर में पूजा कर रहे हो, किस जगह? चौथ माता के व्रत में, चौथ माता के मंदिर में। साल से ये फर्स्ट डे मेरा पूजा। हमारे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है और हमारे सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है। किस तरह से आज हमारे सारे सुहागन अपने पति के लिए व्रत करते हैं, सुख शांति के लिए व्रत करते हैं। और पूजा में किस प्रकार की सामग्री लाई जाती है? पूजा में फूल और क्या चाहिए, ये करवा माला नारियल और सारे माता जी जो लगते हैं, सारा 16 श्रृंगार। मेरा नाम है रिंकी। माता की पूजा करनी जाती है, क्या देखते हैं? नहीं, कौन सा मंदिर है, क्या है ये? चौथ माता का मंदिर है और साल में एक बार चौथ आती है और ये लंबी उम्र पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है और ये 150 वर्ष पुराना मंदिर है और मेरे परदादा ने यह अनुष्ठान गाया था, तब से ही ये पूजा चलती आ रही है और हर वर्ष इसी तरीके से सारी औरतें यहाँ के पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये मंदिर कहाँ और किस जगह स्थित है? ये मंदिर अजमेर में एक ही मंदिर है। किस जगह? ये अपने ऋषि घाटी है, गंज के इधर घाटी वाले बालाजी के पास। आपका परिचय जी? आपका नाम? मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है।